क्लास 4 EVS चैप्टर 15 फ्रॉम मार्केट टू होम टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? वी हैव ऑलरेडी रीड दिस चैप्टर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स, फलों और सब्जियों के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, बट आज हम लोग जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और कौन कौन सब्जियां एंड फ्रूट्स को हम कुछ दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपने स्पिनेच, बनाना, टोमेटो, चीकू, गार्ड, कैबेज, कुकुम्बर और ग्रेप्स तो देखे ही होंगे, बट आपको यहाँ यह बता दें कि ये वही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। वहीं पोटैटो, पियर, पाइनएप्पल, ओनियन एंड जिंजर ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है जो कुछ दिनों तक टिके रह सकते हैं, मतलब वे जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम यह भी जानेंगे कि कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टच करने में स्मूथ होते हैं तो कुछ टच करने में रफ होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स स्मूथ होते हैं। स्पिनेच, बनाना, टोमेटो, पियर, गार्ड, कुकुम्बर और ग्रेप्स ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं जो कि टच करने में स्मूथ होते हैं। वहीं पोटैटो, चीकू, पाइनएप्पल, ओनियन, कैबेज एंड जिंजर टच करने में रफ होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगी कि पम्पकिन सबसे हेवीएस्ट वेजिटेबल होते हैं। क्या आप जानते हैं कि ग्रेप्स और स्पिनेच सबसे लाइटेस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं? स्टूडेंट्स, आप लोग तो जानते ही होंगे कि लगभग सभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में सीड्स होते हैं, लेकिन कुछ वेजिटेबल्स ऐसे भी हैं जिसमें सीड्स नहीं होते हैं, जैसे कैबेज, ओनियन, कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल अबाउट द नॉलेज ऑफ टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दैट्स ऑल, थैंक यू।